तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसा ही डेली डेली गल्फ और यूरोप जॉब की वैकेंसी मिलता रहे। तो दोस्तों आज का जो वैकेंसी हो ज़्यादा करके गल्फ कंट्री का वैकेंसी है, सऊदी का है, दुबई का है, कतर का है, श्रीलंका जैसे कंट्रियों का ज़्यादा वैकेंसी और यूरोप का भी वैकेंसी है। तो दोस्तों ये जितने भी वैकेंसी हो सब अच्छी अच्छी ऑफिसों में आई हुई है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता, चाहे हैदराबाद हो, ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस में ये वैकेंसी आई है। अगर आप मेरे बताए हुए वैकेंसी पे अगर आप भी अप्लाई करते हैं तो आपका फंसने का कोई चांस नहीं रहता है। अगर ये फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो आप फ्री में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला वैकेंसी है वो सऊदी अरबिया के लिए है और ये जो वैकेंसी है तो एस एम एक्स ऑफिस में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो अभी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है और इसका जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो मुंबई में होगा, बड़ौदा में होगा, बीजाग में होगा और चेन्नई में होगा। तो इसमें बहुत सारे पोजीशन दिए हुए वेल्डर से लेके और फैब्रिकेटर तक, टैंक फैब्रिकेटर, टैंक फिटर, बहुत सारी कैटेगरी है। तो आप अपना कैटेगरी चेक करके उसके बाद से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप मुंबई में भी अप्लाई कर सकते हैं और चेन्नई में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जगह का ऑफिसों का एड्रेस दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, तो आप मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला वैकेंसी वो सऊदी अरबिया के लिए और ये फ्री रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों क्या है कि इसमें जो कैटेगरी है वो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स है, पाइप फिटर है, इसका फोल्डर है और पेंटर है। तो इतने सारे कैटेगरी है, तो आप अपना कैटेगरी चेक करके उसके बाद से टर्म एंड कंडीशन पढ़ के उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप एस एम एक्स ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं या कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो उसके बाद से जो अगला वैकेंसी है वो सऊदी की कंपनी अतीना कंपनी का वैकेंसी है। तो इसका जो इंटरव्यू है वो 19/10/2023 को होने वाला है। तो दोस्तों इसमें जो कैटेगरी है एक ही कैटेगरी है, लाइट हाउस ड्राइवर चाहिए। इसमें सैलरी दिया हुआ है, सैलरी 1500 प्लस फूड दिया हुआ है, खाना रहना मेडिकल फ्री है, 8 घंटे का ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम है। तो दोस्तों इसमें जीसी से लाइसेंस होना चाहिए, सऊदी का भी लाइसेंस चलेगा या आप दुबई कतर जहाँ का भी लाइसेंस है तो वहाँ का भी लाइसेंस चलेगा। तो इसमें उम्र लिमिट है 25 साल, 40 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ग्लोबल वेल्डिंग ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर में, तो इसमें ऑफिस का नंबर भी दिया हुआ है, तो आप ऑफिस पे कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला वैकेंसी है वो यूरोप रोमानिया के लिए है और ये जो वैकेंसी है वो ग्रेस फार्मिंग के लिए। तो ये वैकेंसी है वो तेहरान कॉन्स्टेंस प्यूटी LTD ऑफिस में आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो पोजीशन है वो गार्डनर चाहिए और एक फार्मर चाहिए। तो दोस्तों गार्डनर में वही गार्डनर चाहिए जो ग्रेप फार्मिंग में काम किए होंगे या फार्मर में भी जो ग्रेप फार्मिंग में काम किए होंगे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेसिक सैलरी भी दिया हुआ है, बेसिक सैलरी $550 है और ये जो इंटरव्यू होगा वो 20 अक्टूबर को 2023 को फ्राइडे दिन शुक्रवार को जालंधर पंजाब में होने वाला है। तो इसमें इंटरव्यू का लोकेशन भी इसमें दिया हुआ है, तो आप उस लोकेशन पे आप लोकेशन को पढ़ सकते हैं और इसमें टर्म एंड कंडीशन भी दिया, तो टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा और अप्लाई कर सकते हैं। और इधर वो ऑफिस का नंबर भी दिया हुआ, तो उस ऑफिस पे कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला वैकेंसी वो फ्री रिक्वायरमेंट है, कतर के लिए है। तो दोस्तों अभी इसका शॉर्ट लिस्टिंग अभी चल रहा है। तो दोस्तों इसमें जो पोजीशन एक ही पोजीशन है, मोबाइल करेंट ऑपरेटर चाहिए। तो अगर आप भी मोबाइल करेंट ऑपरेटर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप एशिया पावर ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, एशिया पावर ऑफिस का नंबर भी एड्रेस भी दिया हुआ है तो ऑफिस का, तो उस ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। तो अगला वैकेंसी वो श्रीलंका के लिए है और ये EPC कोरियन कंपनी का वैकेंसी है। तो शॉर्ट लिस्टिंग इसका चल रहा है और इसका जो इंटरव्यू होगा वो 22 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाला है एशिया पावर के थ्रू। तो दोस्तों इसमें जो एक्सपीरियंस है आपका गल्फ वेल्डिंग MEP रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट के तो इसमें एक ही ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है और इधर क्राइटेरिया भी दिया है, तो आप अपना क्राइटेरिया पढ़ के उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप न्यू दिल्ली का ऑफिस का एड्रेस भी दिया है इधर एशिया पावर का और इधर मोबाइल नंबर भी दिया है, तो उस मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिस पे भी विजिट कर सकते हैं। तो अगला वैकेंसी है वो कतर के लिए है, तो ये भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ ECNR पासपोर्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है और सारी कैटेगरियों का इसमें सैलरी भी इसमें दिया हुआ है।
तो आप अपना कैटेगरी चेक करके उसके बाद से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ECNR पासपोर्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप सेगवाल इंटरनेशनल ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं मुंबई में, या तो आप मोबाइल नंबर भी दिया तो उस मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला वैकेंसी वो फिर ओमान के लिए और ये आयरलैंड गैस प्रोजेक्ट का है। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, तो इसमें भी बहुत कैटेगरी दी हुई है, जैसे QA QC इंजीनियर है, प्लानिंग इंजीनियर है, रोटेटिंग सुपरवाइजर और T&R के वेल्डर है, और इंसुलेटर है, और रोटेटिंग टेक्नीशियन। इतने सारे कैटेगरी है और इन सारे कैटेगरी के पास कम से कम 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, और ये जो इंटरव्यू होगा वो मुंबई में, बड़ौदा में, चेन्नई में, बीजांग में, कोलकाता, कोची में होगा, और सारे जगहों का ऑफिस होगा। इसमें मोबाइल नंबर भी दिया है, तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंबई से या बीजा कोची से, तो वहाँ पे उन ऑफिसों को मैं कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर मुंबई में है तो मुंबई में सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला वैकेंसी वो सऊदी अरबिया के लिए है, और ये रूटेड कंपनी का वैकेंसी है। तो दोस्तों इसमें जो इसका भी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, और इसका ऑनलाइन इंटरव्यू है। दोस्तों इसमें जो पोजीशन, एक ही पोजीशन है, CCTV टेक्नीशियन का, तो इसमें भी गल्फ एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो अगर अभी CCTV टेक्नीशियन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप मुंबई के एस्पेक्ट ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, या कॉल नंबर भी दिया तो उस कॉल नंबर पे भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला वैकेंसी आयो कतर के लिए है, तो दोस्तों इसमें फ्री रिक्वायरमेंट है और लॉन्ग टर्म जॉब है। तो दोस्तों इसमें जो कैटेगरी है, इसका फोल्डर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, इसका फोल्डर फोरमैन और इसका फोल्डर और इंसुलेटर, इतने सारे कैटेगरी है, और इन सारे कैटेगरियों के पास गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, तो इसका जो इंटरव्यू होगा मुंबई में होगा, बड़ौदा में, कोची में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, बीजाग में होगा। तो अगर जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर भी दिया है तो मोबाइल नंबर पे कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी हमने ये ऑफिस का वैकेंसी बताते हैं, ये सब ऑफिस जेन्यून ऑफिस है, चाहे वो दिल्ली की ऑफिस हो, चाहे मुंबई की ऑफिस हो, ये सब टॉप 10 ऑफिसों का मैं वैकेंसी बताता हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए वैकेंसी के थ्रू अगर आप भी अप्लाई करते हैं तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, और अगर फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो आप फ्री में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला वैकेंसी है सऊदी अरबिया के लिए, और ये शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, और ये आयरलैंड गैस पेट्रोकेमिकल का वैकेंसी है। तो दोस्तों इसका जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा 23 अक्टूबर को होने वाला है मुंबई में। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे आप देख सकते हैं, आप अपना अपना कैटेगरी पढ़ के उसके बाद से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें HSE मैनेजर से लेके और पाइप फिटर, वेल्डर, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रीशियन, ब्लास्टर, सभी का कैटेगरी है। तो दोस्तों क्या है कि शॉर्ट लिस्टिंग अभी इसका चल रहा है, और इसका जो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 23 अक्टूबर को होने वाला है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ACI पावर ऑफिस में आ जाए, इधर ACI पावर ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ, तो आप ACI पावर के ऑफिस पे विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला वैकेंसी है वो कतर के लिए है, और ये लार्ज रिक्वायरमेंट वैकेंसी है। दोस्तों ये फ्री रिक्वायरमेंट वैकेंसी है, तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, तो आप अपना कैटेगरी चेक करके उसके बाद से आप भी सेगुल इंटरनेशनल ऑफिस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नीचे नंबर दिया तो उस नंबर पे भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला वैकेंसी है वो कुवैत के लिए है। तो दोस्तों ये शट डाउन प्रोजेक्ट है, तो इसका जो अभी क्लास वर्चुअल इंटरव्यू है वो 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को होने वाला। तो दोस्तों इसमें दो ही कैटेगरी है, हाइड्रोजेटर है और एक फोरमैन है, और मैकेनिक, हाइड्रोटिंग और बंडल पूरा बैठा, 4 कैटेगरी इसमें दिया हुआ है। अब इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, तो दोस्तों इसका जो इंटरव्यू होगा मुंबई में भी होगा और दिल्ली में होगा। तो अगर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के ऑफिस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफिस का नंबर भी दिया हुआ है, तो आप नंबर पे कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला वैकेंसी है उससे फार ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब ऑस्ट्रेलिया का ये वैकेंसी, और इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा वो 20 अक्टूबर को होने वाला है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इंडियन स्वीट मेकर हलवाई चाहिए, जिनके पास करी चिप्स चाहिए, तो इसमें रिक्वायरमेंट है उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडियन स्वीट मेकर का या हलवाई का, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उनको इंग्लिश आएगा तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए मेल आईडी भी दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो दुबई के लिए है और कंपनी का नाम है चाइना सिविल इंजीनियरिंग,
तो दोस्तों इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू है 18/10/2023 को सिवान में होने वाला है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा, नॉर्मल मेडिकल है। तो इसमें कैटेगरी है वो मेसन टाइल्स है, मेसन ब्लॉक प्लास्टर है, स्टील फिक्सर है और शटरिंग कारपेंटर और इसका फोल्डर है। और इनका कैटेगरी का सैलरी भी इसमें दिया हुआ है और फ्रेशर और रिटर्नर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स में, इधर नीचे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है तो मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला वैकेंसी है वो यूरोप के लिए है और ये जो वैकेंसी वो डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज में आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो कैटेगरी है वो फिटर्स चाहिए और फिटर्स के जो क्राइटेरिया वो अपन अपना क्राइटेरिया पढ़ के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए इधर क्या है कि एक मेल आईडी दिया है, तो उस मेल आईडी पे आप अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो उसके बाद से जो अगला वैकेंसी है वो एमगी वाला ऑफिस में आया हुआ है और ये जो वैकेंसी है वो कतर के लिए। तो दोस्तों इसमें जो कैटेगरी हो फर्नीचर कारपेंटर चाहिए और स्प्रे एंड आयल पेंटर चाहिए और एलईडी स्क्रीन ऑपरेटर और साउंड इंजीनियर चाहिए। इतने सारे कैटेगरी हैं और सारे कैटेगरी के पास कम से कम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप एमगी वाला ऑफिस में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे मोबाइल नंबर भी दिया है तो मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला वैकेंसी है वो डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज में आया हुआ है और ये जो वैकेंसी है वो कतर शटडाउन का वैकेंसी। तो दोस्तों इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू है चेन्नई में 6 नवंबर को होने वाला है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है, तो आप अपना कैटेगरी पढ़ के उसके बाद से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए नीचे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल आईडी भी दिया, तो उस ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला वैकेंसी है वो सऊदी अरबिया के लिए और ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कंपनी का नाम है अल यहिया ग्रुप फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग मेंटेनेंस कंपनी। तो दोस्तों इसमें जो कैटेगरी हो एक ही कैटेगरी वो फ्रेशर डाटा एंट्री चाहिए और सैलरी इसमें दिया हुआ 1400+200 सैलरी इसमें दिया हुआ। तो इसमें नोट में है कैंडिडेट के पास कम से कम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें टर्म एंड कंडीशन भी दिया हुआ है, तो आप अपना टर्म एंड कंडीशन पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद से जो अगला वैकेंसी है फिर से वो यूरोप के लिए है और ये जो वैकेंसी है डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज में आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो कैटेगरी है वो सीएनसी टर्निंग ऑपरेटर चाहिए, तो इसमें क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो आप अपना क्राइटेरिया मैच करके वो उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए नीचे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो इसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला वैकेंसी है करेटिया के लिए और ये जो वैकेंसी है सेगुला इंटरनेशनल ऑफिस में आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें दो ही कैटेगरी है, एक मैकेनिक ऑपरेटर सही है और एक ग्लोवनाइज वर्कर सही है। तो इधर क्राइटेरिया दिया, तो आप अपना क्राइटेरिया पढ़ के उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई में भी है, चेन्नई, कोची, बड़ौदा, आप जहाँ से वहाँ के ऑफिसों में अप्लाई कर सकते हैं। उन ऑफिसों का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, तो कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला वैकेंसी हो कुवैत के लिए और सेटरिंग शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्रेस है। तो दोस्तों इसमें दो एक ही कैटेगरी है, बरिस्टा चाहिए मेल और फीमेल। तो इसमें भी क्राइटेरिया दिया, तो आप अपना क्राइटेरिया पढ़ के उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का मुंबई में भी अप्लाई कर सकते हैं या दिल्ली में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, तो इधर ऑफिस का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इस पर कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला वैकेंसी है सऊदी अरबिया के लिए और ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ऑयल एंड गैस का ये वैकेंसी है। तो दोस्तों इसमें जो कैटेगरी वो डीजल मैकेनिक चाहिए, मैकेनिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर, पेंटिंग क्यूसी और पेंटिंग सुपरवाइजर चाहिए। तो अब अपना क्राइटेरिया पढ़ के उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका वॉक इन इंटरव्यू 18-19 अक्टूबर को होने वाला है, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग अभी इसका चल रहा है। तो ये जो वैकेंसी है मुंबई, चेन्नई और कोची में है, तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उन ऑफिस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी इन ऑफिसों का नंबर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर दूसरी वैकेंसी के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।